चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से टीम इंडिया के इन पांच खिलाड़ियों की विदाई हुई तय। श्रीलंका से हार के बाद कोच गंभीर ने ले लिया बड़ा फैसला, नहीं खेलेंगे कोई मैच। अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इन 15 खिलाड़ियों के नामों पर लगेगी पक्की मोहर। टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से ही भारतीय टीम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब फैंस की नजरें अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पर टिकी हैं। कहा जा रहा है कि टूर्नामेंट में टीम इंडिया के कई स्टार खिलाड़ियों का पता कट सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद ICC का अगला इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी है, जहां पर आपको कुल 8 टीमें इस खिताब के लिए लड़ती नजर आएंगी। आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो टीम इंडिया का सिलेक्शन है या फिर वो जो 15 नाम है जो चैंपियंस ट्रॉफी में आपको खेलते नजर आएंगे वो फाइनल हो चुके हैं। साथ ही कोच गंभीर ने उन 5 खिलाड़ियों की विदाई तय कर दी है जो टीम इंडिया में लगातार वनडे का हिस्सा रहे हैं। तो खबर क्या है, चलिए आपको बता दें। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम इंडिया है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो 15 नाम टीम इंडिया की तरफ से जाएंगे वो फाइनल हो चुके हैं। सिलेक्टर्स, कप्तान और कोच ने जो नाम फाइनल किए हैं और जो श्रीलंका के लिए सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद जिस तरह से श्रीलंका में ODI सीरीज हुई, उसके बाद सिलेक्टर्स की बात करें, कप्तान की बात करें और कोच की बात करें, इन्होंने वो नाम फाइनल कर लिए हैं। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी इस बार पाकिस्तान में होनी है। बहुत सालों के बाद पाकिस्तान में कोई ICC का इवेंट शेड्यूल किया गया है। जो हो पाएगा या नहीं ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल के लिए पाकिस्तान को राइट्स है और टीम इंडिया ने 15 नाम फाइनल कर लिए हैं जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे। 5 खिलाड़ी वनडे टीम से भी बाहर हो जाएंगे और 5 ऐसे हैं जो लगातार टीम इंडिया का हिस्सा रहे हैं, लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। कौन है वो नाम, चलिए आपको बताते हैं। इनमें पहला नाम आता है KL राहुल का। KL राहुल जिन्हें टीम से हटाएंगे गौतम गंभीर, क्योंकि जिस तरह से गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने KL राहुल को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया था, उससे तो यही साइन मिल रहा है कि शायद KL राहुल अब वनडे की टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आपको KL राहुल चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते नजर नहीं आएंगे। दूसरा नाम है संजू सैमसन। गंभीर को संजू सैमसन पर भी भरोसा नहीं है। साथ ही अगर हमें देखने को मिल रहा है कि श्रीलंका में जो संजू सैमसन को आपने T20 में सिलेक्ट किया था, लेकिन संजू सैमसन को वनडे टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया, जब पहला इवेंट है वो ODI का ही है, ऐसे में अब संजू सैमसन चैंपियंस ट्रॉफी जा पाएंगे या नहीं ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको यहां से सिर्फ 3 वनडे मैच खेलने हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले होंगे। तीसरा नाम आता है सूर्य कुमार यादव का। गंभीर ने सूर्य कुमार यादव को वनडे टीम से हटाया। साथ ही सूर्य कुमार यादव 2023 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा भी थे। वो T20 में टीम इंडिया के नए कप्तान भी बन चुके हैं और श्रीलंका में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन गौतम गंभीर ने उन्हें वनडे टीम में सिलेक्ट नहीं किया और सूर्य को फिलहाल वनडे टीम से बाहर रखा गया है, तो ये एक साइन जाता है कि शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी टीम का भी हिस्सा नहीं होंगे। चौथा नाम आता है रविंद्र जडेजा का। रविंद्र जडेजा भी वनडे टीम से बाहर रहे। अब लगातार सवाल ये भी उठ रहा है कि अक्षर पटेल ने जो परफॉर्मेंस दिखाई, उनका जो कद टीम इंडिया में है, उससे रविंद्र जडेजा का जो प्लेस है वो इंडियन टीम में सिक्योर नहीं है, और रविंद्र जडेजा का वनडे टीम में ना होना ये बताता है कि शायद उनके भी जो दरवाजे हैं वो धीरे धीरे टीम इंडिया में बंद हो रहे हैं। वहीं पांचवा नाम आता है शिवम दुबे का। शिवम दुबे का प्रदर्शन भी बेहद खराब रहा। शिवम दुबे की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इनके परफॉर्मेंस में अभी कंसिस्टेंसी नहीं देख पाए हैं। परफॉर्मेंस में उस शानदार एक खेल होना चाहिए, मैच विनिंग पारी जो होनी चाहिए वो नजर नहीं आई। एक औसत प्लेयर की तरह इंडियन टीम में आए हैं और अभी तक इनका जो परफॉर्मेंस रहा वो औसत ही रहा। तो ऐसे में ये कुछ नाम है जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम इंडिया से बाहर होते नजर आएंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में कौन से खिलाड़ी होने चाहिए, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।